अमेरिका चुनाव को लेकर बड़ी खबर ओहायो से। राष्ट्रपति ट्रंप जीत चुके हैं ओहायो में, जो इलेक्ट्रल वोट्स हैं उन पर राष्ट्रपति ट्रंप का कब्जा है। और आप इसको समझे, देखिए अमेरिका में एक और चीज होती है इलेक्ट्रल वोट्स, ये नहीं होते कि एक इलेक्ट्रल वोट मिला किसी को और चार किसी और को मिले, पूरे के पूरे स्वीप किए जाते हैं, वो तरीका होता है अमेरिका में। ओहायो में 18 इलेक्ट्रल वोट्स हैं, ब्रेकिंग में ऐड करें, ओहायो के 18 इलेक्ट्रल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिल चुके हैं। ओहायो नंबर 5 पर आता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रल वोट्स की संख्या में, ओहायो के 18 इलेक्ट्रल वोट्स डोनाल्ड ट्रंप को मिल गए हैं। रोहित के पास मैं चलूंगा, रोहित गुड मॉर्निंग, बल्कि गुड इवनिंग रोहित, डीसी से आप मौजूद है मेरे साथ। रोहित मुझे एक बात बताइए, एज दिस से इट्स अ सुपरस्टिशन, इफ यू विन ओहायो यू आर द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका। जी बिल्कुल निशांत, जो बाइडेन का जो रास्ता है बहुत 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 ज्यादा लिमिटेड रह गया है, उनकी होप अब पेंसिल्वेनिया, एरिजोना और कहीं ना कहीं मिशिगन पे, लेकिन वो मिशिगन में भी पीछे चल रहे हैं, विस्कॉन्सिन में थोड़े से वो आगे हैं, और फिलाडेल्फिया में जो है बैलेट, मेल इन बैलेट की काउंटिंग अभी होनी बची है। लेकिन मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल है जो बाइडेन के लिए, नामुमकिन नहीं है क्योंकि अमेरिका के जो इलेक्शन है वो हमें कभी इसमें प्रिडिक्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत मुश्किल रास्ता दिख रहा है जो बाइडेन का 270 के आसपास पहुंचने का। सी इमेजिन दिस, थोड़ी देर पहले तक हम कह रहे थे जो बाइडेन इज विनिंग, और यहां पर रोहित जो एक बात बता रहे हैं, मुझे एक बात बताइए, मैं आपसे ये जानना चाहता हूं रोहित, हमारे दर्शकों को ये बहुत तेजी से एक्सप्लेन करिए, बहुत तेजी से, कि इलेक्ट्रल वोट्स ऐसा नहीं होता कि 18 में से 8 बाइडेन को मिल गए, 10 ट्रंप को मिल गए, वो पूरे के पूरे स्वीप होते हैं, बताइए जरा ये वाला। जी जी बिल्कुल निशांत, विनर टेक ऑल, इस तरह से अमेरिका का जो इलेक्ट्रल प्रोसेस है वो हर स्टेट में इसी तरह से वोट्स इलेक्ट्रल कॉलेज डिजाइन किया गया है, तो अगर आप 10 वोट से भी जीते तो फर्क नहीं पड़ता। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।